गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक साइंस एंड आज हम रिवीजन करेंगे लेसन साइंस में सिक्स चैप्टर का फूड एंड डाइजेस्टेशन। तो इसका हम रिवीजन करेंगे, तो आपकी जो है इतना ही रिवीजन, जितना मैं रिवीजन करा रही हूँ उतना ही आएगा आपके। तो 2 3 4 5 2 तो आ चुका, 3 4 5 6 बस ये लास्ट चैप्टर है आपका, तो साइंस में इतना ही आएगा 6 चैप्टर तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फूड एंड डाइजेस्टेशन, खाना और आपकी पाचन प्रक्रिया, ये बताना पाचन क्रिया कैसे होती है वही पढ़ा है इस चैप्टर में। तो ये हम आपसे पहले ही वीडियो के थ्रू ये चैप्टर आपको समझा चुके हैं, आज जो है रिवीजन करेंगे इसका। एक्सरसाइज टाइम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईच चैप्टर हैज़ 5 5 MCQ क्वेश्चंस, तो वो सब आपको करने हैं। चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश आर ऑब्टेन फ्रॉम वीट, राइस, पोटैटो एंड सुगर कैन। विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो सही आंसर आपको उसमें फिल करना है। तो ये क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टेन फ्रॉम वीट, राइस, पोटैटो एंड सुगर कैन, कार्बोहाइड्रेट्स है। डैश इज द फाइबर इन आवर फूड, तो इसमें आएगा आपका रफेज, सेकेंड वाला। थर्ड है आपका वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर डैश, तो ईटिंग आएगा इसमें, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। एंड ब्रेड इज कुक्ड बाई डैश बेकिंग, जो ब्रेड बनता है किससे, बेकिंग, तो बेकिंग आएगा आपका। एंड टू मच ऑफ कुकिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स, अगर हम ज़्यादा पका लेते हैं किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा पकाने से उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा सेकेंड बी, फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूट्रिएंट्स कीप अस अलाइव एंड हेल्दी, न्यूट्रिएंट्स हमको क्या बनाते हैं आपको स्वस्थ एकदम से। एंड डैश आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन एंड हनी, तो क्या चीज़ होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, जैसे किस किस में होता है, वीट में, राइस में, पोटैटो में, सुगर केन, हनी, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। डैश लाइक कैल्शियम एंड आयरन कीप अस फिट एंड हेल्दी, तो मिनरल्स जो है और जैसे कि कैल्शियम, आयरन, ये सब आपको क्या फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। द डैश इन द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इन द फूड, तो जूसेस। वी ईट डैश एज वेल एज डैश फूड, तो हमको वी ईट कैसा खाते हैं, रॉ यानी थोड़ा सा कच्चा, एज वेल एज कच्चा भी खाते हैं और पकाया भी फूड, दोनों तरह से हमने आपको बताया, कैरेट हो गया आपका एंड कैबेज हो गया या एंड रेडिश हो गया, ये आप कुछ टमाटो, ये सब आप थोड़े से इनको कच्चे भी खा सकते हो और बाकी पकाकर भी खा लेते हो, है ना। एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, वी ऑल ईट फूड टू अलाइव, यस बिल्कुल सही, राइट। एंड बटर, घी एंड ऑयल्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन्स, ये है आपका फॉल्स। विटामिन्स ऑल्सो कीप अस हेल्दी, ये है आपका राइट, ट्रू। ईच आइटम ऑफ फूड इन इन अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, राइट। फिफ्थ, द लिक्विड फूड पासिस इन टू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन फॉल्स, इंटेस्टाइन, तो ये आपका फॉल्स।
एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हम आपको पोस्ट कर देंगे. नेम द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स एंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. नेम थ्री इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड स्टफ्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड्स एंड व्हाट रोल डू द प्रोटीन्स प्ले इन आवर बॉडी एंड नेम सम फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच. ओके बाय.